तेज खबर 24 में इस वक्त खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से, जहां पिता और पुत्री के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला प्रकाश में आया है, जिसमें आरोपी पिता के हैवानियत का चेहरा बेनकाब होने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आरोपी अपनी ही नाबालिग बेटी की इसमत लूटने का प्रयास कर रहा था, जिसका विरोध करने पर पिता का घिनौना चेहरा सामने आ गया। बताया गया कि आरोपी बीते 4 साल से अपनी नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत कर रहा था। दरअसल यह मामला सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र का है। बताया गया कि गुरुवार की रात कलयुगी पिता ने अपनी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इस दौरान वहां से भाग खड़ी हुई और वह पड़ोस में चली गई, जहां रहने वाली दादी और भाभी से उसने आपबीती सुनाई। बेटी ने बताया कि आरोपी पिता उसे डरा धमका कर बीते 4 साल से असमत लूट रहा है। इधर आरोपी की पत्नी इसी के हरकतों के कारण 4 साल के पहले ही उसे छोड़कर अपने मायके में जाकर रह रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। और मालवेडिशी टॉक्सेट का मामला कायम किया गया है। जल्दी